सो वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वीडियोस। इन वीडियोस के अंदर हम यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर जो रिक्रूटमेंट है 2018 के लिए, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने हर एक सब सेक्शंस को, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग सबके लिए आई विल बी मेकिंग वीडियो लेक्चर्स। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, दैट इज फॉर डिजिटल लॉजिक। अब डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट को मैंने पांच डिफरेंट पार्ट्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, सेकंड इज बुलियन अलजेब्रा, थर्ड इज के मैप, फोर्थ इज कॉम्बिनेशन सर्किट एंड फिफ्थ इज सिक्वेंशियल सर्किट। अब इन सेक्शंस को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि अगर आप नंबर सिस्टम में हमारे वीडियोस को चेक करेंगे तो मैंने हर एक पार्ट को एक एक करके कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ताकि इस तरीके से कि एटलीस्ट हम एक रिविजन की तरह से ही हर एक पार्ट को पूरे तरीके से कवर कर सके। तो मैं यहाँ पर पांच वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो होगा हमारा नंबर सिस्टम पर, एक बुलियन अलजेब्रा, एक के मैप्स, एक कॉम्बिनेशन सर्किट और एक सिक्वेंशियल सर्किट। तो सभी पार्ट्स के अंदर आई टेकन अराउंड 5 to 10 or 15 क्वेश्चंस लाइक दिस। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमेंबर जो क्वेश्चन है वो हर एक लेवल के होंगे, दे विल बी इजी एज वेल एज मीडियम और डिफिकल्ट। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा, द ऑक्टल नंबर दिस 326.4 इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड हियर दे आर आस्किंग इन ऑप्शंस, दिस इज बेस 10, दिस इज बेस 16। बेस 16 इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल एंड बेस 10 इज जनरली कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब जो हमारे पास 326.4 एक नंबर हमें दिया गया है, दिस इज गिवन इन बेस 8 बिकॉज दे आर आस्किंग दिस नंबर इज इन ऑक्टल। अब इस ऑक्टल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है एक तो बेस 10 के अंदर और दूसरा बेस 16 के अंदर। तो हम देखेंगे बेस 10 में नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और बेस 16 में ये नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 326.4 अभी बेस 8 के अंदर है, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे विद द पावर्स ऑफ 8। जैसे कि अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8^-1, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 8^0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8^1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8^2 के साथ। तो ये हो जाएगा 3 × 8^2 प्लस 2 × 8^1 प्लस 6 × 8^0 प्लस 4 × 8^-1। 3 × 8^2 क्या होता है, दिस इज 192। 2 × 8^1 इज 16, 6 × 8^0 इज 6 प्लस 4 × 8^-1 इज 0.5। ओके, आप इनको ऐड करके देखिए, सो दिस इज 6 + 6 इज 12, 12 + 2 इज 14, सो दिस इज 4 एंड कैरी इज 1, एंड देन 1 + 9 इज 10 एंड दिस इज 1, दिस इज 11, सो दिस इज 1 एंड कैरी इज 1, सो दिस इज 214.5। सो हमारे पास जो बेस 10 के अंदर नंबर आएगा, दिस इज 214.5 विद बेस 10। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास दो जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से कोई हमारे पास आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, 3 और 4 में से हमें चेक करना है कि कौन सा बेटर रहेगा। अब देखिए, अब हमें कन्वर्ट करना है बेस 16 के अंदर, तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम बेस इसको बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट करें और फिर बेस 10 को हम लोग बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करें। तो एक ये तरीका है, यानी कि इस नंबर को आप डायरेक्टली बेस 16 के अंदर यहाँ से कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि जो बेस 8 नंबर है आप इसको बेस 2 में कन्वर्ट करो और बेस 2 को बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी ईजी मेथड है जिससे कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर जब आप कन्वर्जन करेंगे तो आप इसको 2 की पावर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉर्टकट जो प्रेजेंट है, हम एक बेस 2 की नंबर को बेस 4 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज अ शॉर्टकट। एक बेस 2 की नंबर को बेस 8 के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं और बेस 2 की नंबर को हम बेस 16 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक बेस 4 की नंबर है तो उसको हम बेस 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द पावर्स। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बाइनरी में अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 6, 2 और 3। ओके, तो अगर हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड्स होंगे यहाँ पर। पहला, हमें इस पॉइंट वाले पार्ट को अलग से कन्वर्ट करना होगा और दूसरा, ये जो नॉन पॉइंट वाला पार्ट है इसको हमें अलग से कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो
यहाँ पर ओके इसको यहाँ से कन्वर्ट करने की जगह पर एक ये भी मेथड है, यहाँ से भी हम इसको बेस टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से भी बेस टू में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी बेस टू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तरीका क्या है कि कन्वर्ट करने के लिए हमें हर एक बिट को जैसे ये बे 8 है तो हमें हर एक बिट को 3 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 6 है तो 6 को हम लोग 3 बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 0 1 1। ओके, देखिए मैं इसको ऐसा कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, जनरली होता क्या है कि 2 जो है 4 इज 2 रेज टू पावर 2, 8 इज 2 रेज टू पावर 3 एंड 16 इज 2 रेज टू पावर 4। दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 16। अगर आपको एक बेस 8 की नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 बिट्स को हमें उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, अगर एक बेस 2 की नंबर को बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे कि 66 है तो 6 को हम लोग बेस 2 के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 3 बिट के अंदर आप लिख लीजिए। उसी तरीके से ये हमारे पास 2 है तो इस 2 को हम बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको बस 3 बिट के अंदर ऐसे लिख लेंगे। उसी तरीके से ये हमारे पास 3 है तो इसको हम बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 3 बिट के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास पूरी इस पॉइंट से पहले वाला पार्ट आ गया। उसी तरीके से पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है इसको हम बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 3 बिट में इस तरीके से लिख लेंगे। अब जब हमें इसे बेस 16 के अंदर कन्वर्ट करना है तो बेस 16 का मतलब क्या है कि हमें 4 बिट्स को कंबाइन करना है। जैसे कि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि 2 रेज टू पावर 4 इज 16, तो 4 है तो यानी कि हमें 4 बिट्स को कंबाइन करना है। तो आप इन 4 बिट्स को कंबाइन कीजिए, फिर आप इन 4 बिट्स को कंबाइन कीजिए। तो पहली जो ये 4 बिट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके पास नंबर विच इज 6, ये आपको 6 रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो दूसरी 4 बिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर 13। 13 का मतलब क्या है, 9, देन 10 इज कैपिटल ए, 11 इज कैपिटल बी, 12 इज कैपिटल सी एंड 13 इज कैपिटल डी। तो ये जो 4 बिट है अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो रिप्रेजेंट करेगी 13, तो इसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल डी। अब उसके बाद ये जो हमारे पास जो 4 बिट यहाँ पर है, आप इसके बाद एक जीरो भी जोड़ सकते हैं, अगर इन 4 बिट्स को आप चेक करेंगे तो 4 बिट डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 8, यानी कि 1000, दिस इज 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड दिस इज 2 पावर 3। सो आंसर क्या होगा हमारे पास, D6.8। तो थर्ड का आंसर है D6.8 एंड 214.5, सो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़रा एक बार फिर से इलैबोरेट कर दूँ, शायद आपको समझ में ना आए कि मैंने क्या किया है। देखिए एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपके पास कोई भी बेस 2 की नंबर है, जैसे कि बेस 2 की नंबर है हमारे पास 1111010101, ठीक है, इस बेस 2 की नंबर को अगर हमें बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए हमें 2-2 बिट के पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस 4 हम 2 रेज़ पावर 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप 2-2 बिट के आप पेयर बनाएं तो इस तरीके से आप इसको बेस 4 के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस 2 की नंबर को बेस 8 के अंदर रिप्रेजेंट करना है, जो 8 है दिस इज रिटर्न एज 2 रेज़ पावर 3, तो यानी कि उस केस में हमें 3 बिट्स के पेयर बनाने हैं। जैसे कि ये 3 बिट्स हो गई, फिर ये 3 बिट्स हो गई, फिर ये 3 बिट्स हो गई और फिर ये 3 बिट्स हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें बेस 2 की नंबर को बेस 16 में रिप्रेजेंट करना है, 16 इज 2 रेज टू पावर 4, यानी कि हमें 4-4 बिट्स के ऐसे पेयर बनाने पड़ेंगे। तो ये एक शॉर्टकट है कन्वर्ट करने का। उसी तरीके से अगर आपको बेस 16 के नंबर को बेस 2 में अगर शो करना है, जैसे कि बेस 16 है हमारे पास D6, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि D को आप 4 बिट में रिप्रेजेंट करो, 6 को आप 4 बिट में रिप्रेजेंट करो। तो अगर इनको 4-4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड टू कन्वर्ट द नंबर्स। तो जनरली हर एक उस केस में अवेलेबल है जहां पर हमें पावर्स होते हैं। जैसे कि अगर एज्यूम करो हमें बेस एक्स की नंबर को बेस एक्स रेज़ टू पावर वाई में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में हमें यहां पर वाई बिट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर यहां की नंबर को यहां पर करना है तो हमें वाई एक नंबर को वाई बिट्स के अंदर शो करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास यह है, गिवन दैट 292 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1204x। अब उन्होंने बोला है कि ये x है क्या, ये किस इसका बेस क्या है, ये x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये हमारे पास है 292 विद बेस 10, राइट, तो ये 292 के साथ रिप्रेजेंटेड है। लेकिन इस केस में
एक आसान सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर हर एक को x की पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स रेस टू पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 3। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर सिस्टम है विद बेस y, आप उसकी हर एक डिजिट को y की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, 4 प्लस 0 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो एक सिंपल सा एक हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है विच इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, और इसको अगर आप इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 292। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 0 तो आपके पास x की पावर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बड़े ध्यान देने की है। देखिए x जहाँ पर यूज़ किया गया है वहाँ पर जो सबसे बड़ी नंबर है वो है हमारे पास 4, यानी कि जो x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी बेस होता है, मानो कि बेस 6 है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिजिट रिप्रेजेंट होगी दैट विल बी 5, ठीक है। तो उससे बड़ी डिजिट हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके। तो अगर बिकॉज यहाँ पर ये 4 है तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 5 या 5 के इक्वल होगी या फिर 5 से बड़ी होगी, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप इस इक्वेशन को फर्दर अगर आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 288 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288। और इसको अगर आप फर्दर यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर कॉमन अगर आपने लिया तो अंदर आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 288, ओके। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला, या तो यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसके लिए आइदर यू विल बी हैविंग हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, जिससे आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई नो द आंसर, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ आंसर, व्हाट इज द आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि हमें इस एक इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पर आई है इसमें से हम इन ऑप्शंस को ट्राई आउट करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस विल बी मोर टाइम सेविंग फॉर यू, ओके। जैसे कि अगर हम यहाँ से इसको रिजॉल्व सॉल्व करने की कोशिश कर लें, ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन है मेरे पास 2, तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 288। अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 288 विच इज नॉट इक्वल टू 288, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 वी कैन एलिमिनेट दैट, ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ऐसी टेक द सेकेंड ऑप्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 2 इज इट इक्वल टू 288, चेक इट, 8 स्क्वायर 64 इंटू 10 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 288, सो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी करेक्ट आंसर, ओके। सो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है बेस 10 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 स्क्वायर दिस इज 10 स्क्वायर इंटू 10 प्लस 2 इज इट इक्वल टू 288, यू कैन सी दिस इज ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 288, 10 स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 12 विच इज नॉट इक्वल टू 288, ओके। तो हम तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में क्या था कि ऑप्शन नंबर ए तो पहले से ही एलिमिनेट था बिकॉज यहाँ पर जो सबसे बड़ी नंबर है वो है 4। अगर हमारे पास बेस x है तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 बिकॉज दिस 4 इज ग्रेटर देन 2। और जो ऑप्शन नंबर बी और सी है हमारे पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता था, तो सिंपल आप ऑप्शन ए को ट्राई करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन बी और सी इन दोनों को ही आपको ट्राई करना था। तो ऑप्शन बी और सी को इसके अंदर पुट करो और आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक तरीका, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से रिजॉल्व करें, और उस मेथड से सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x, और उनमें से आप ये चेक करो कि x की जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मैंने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया था तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ x as 6 विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। सो आंसर इज टू दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 6, जो कि आप ट्राई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो, मैं इसको ऑल एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, गिवन द ऑक्टल नंबर विच इज दिस नंबर जो कि हमारे पास गिवन है,
इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, हमें इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर हमारे पास क्या है, इट इज 0.4051 इन बेस 8। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस 4 इनटू 8 इज पावर माइनस 1, 0 इनटू 8 इज पावर माइनस 2, 5 इनटू 8 इज पावर माइनस 3 एंड 1 इनटू 8 इज पावर माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 4 इनटू 8 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 0 इनटू 8 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 5 इनटू 8 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 1 इनटू 8 रेज टू पावर माइनस 4। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास 0.5। ओके, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 0.5, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दिस इज 4 इनटू 1 बाय 8 व्हिच इज इक्वल टू 1 बाय 2, दिस इज 0.5। ओके, प्लस दिस वैल्यू इज एक्चुअली 0, प्लस ये जो वैल्यू होगी 5 इंटू 1 अपॉन 64 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 64 इंटू 64। ओके, अब ऑब्वियसली अभी चेक कर सकते हैं कि इन तीनों वैल्यूज में से हम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो हमारे पास 0.5 आ गई है। तो हमें जो सॉल्व करना है वो है हमारे पास 0.5 प्लस 5 अपॉन 64 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 64 इंटू 64, एंड दिस वैल्यू विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज 1 अपॉन 64 इंटू 64 इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, एंड देन विल बी हैविंग दिस वैल्यू विच माइट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस। ओके, एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, सो आई कैन सी दिस वैल्यू कैन लीड टू समवेयर लाइक दिस। सो आई एम जस्ट गेटिंग अ हिंट दैट बिकॉज वी हैव 1 अपॉन 64 इंटू 64 विच कैन लीड अस टू दिस सॉल्यूशन, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, so this is the possibility of this solution is correct. So I just to be sure, I just have to solve this equation. So let me tell you the value of 5 upon 64 into 8. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। तो दिस विल बी 0.51009765625, ओके, एंड विच इज लिटरली क्लोज टू 0.51000 98। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर जो हमारे पास गिवन है वो है 2357। तो दो तरीके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, पहला कि हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, ठीक है, और बाइनरी से हम इसको डायरेक्टली फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। ओके, दूसरा हम इस नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, लेकिन सबसे आसान तरीका है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का, बिकॉज ये एक ऑक्टल नंबर है। तो हमें सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को तीन बिट्स में लिखना है, जैसे कि 7 है तो 7 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 111, 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 101, 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 011, 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 010। तो ये हो गया हमारे पास डेसिमल के अंदर। अब अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि चार बिट्स को कंबाइन कर दीजिए। तो हमारे पास ये चार बिट, फिर उसके बाद ये वाली चार बिट, और फिर हमारे पास ये वाली चार बिट। तो पहली चार बिट रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 15, तो 15 इज एफ। दूसरी वाली चार बिट हमें रिप्रेजेंट कर रही है 14, 14 इज ई। और तीसरी वाली चार बिट हमें रिप्रेजेंट कर रही है 2, दिस इज 4, दिस इज 4। तो हमारे पास आएगा 4 ई एफ। तो करेक्ट आंसर इज 3 विच इज 4 ई एफ। ओके, नेक्स्ट, इफ एन इंटीजर नीड्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइंड इंटीजर इज। ओके, तो जनरली यहाँ पर जब साइंड इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स जो हैं दे यूज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, एंड तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो साइन बिट रिप्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम हम जो मिनिमम नेगेटिव नंबर हम शो करेंगे इफ इट इज ऑफ 2 बाइट्स, यानी कि 16 बिट। ओके, बिकॉज यहाँ पर 2 बाइट्स गिवन है, तो यानी कि इट इज अ 16 बिट। तो 16 बिट में जो मिनिमम नंबर शो होगी दैट इज माइनस 2 रेज टू पावर 15 प्लस 1 2 प्लस 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम रहेगा, विच इज माइनस 2 रेज टू पावर 15 प्लस 1 2 प्लस 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में जो मिनिमम नंबर रिप्रेजेंट होगी वो होगी माइनस 2 रेज पावर 15 2 प्लस 2 रेज पावर 15 माइनस 1।
तो जो है और मैक्सिमम नंबर की हमें बात की गई है तो मैक्सिमम नंबर होगी 2^15 - 1। चाहे आप तीनों किसी में आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम नंबर इज 2^15 - 1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल वैल्यू ऑफ असाइंड बाइनरी नंबर और इफ इट इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इन टूज कॉम्प्लीमेंट एक नंबर गिवन है तो हमें इसकी डेसिमल वैल्यू को बताना है। तो नंबर क्या है हमारे पास 1101010 और ये नंबर हमें गिवन है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन काम कैसे करता है। अगर हमारे पास दो बिट्स की नंबर है, मैं इसको प्रॉपरली इलैबोरेट कर देता हूँ, ये हमारे पास दो बिट की नंबर है तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रही है 0 और ये रिप्रेजेंट कर रही है 1। अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वो इसका आएगा हमारे पास 111। आप जानते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, पहले एक नंबर है बाइनरी नंबर उसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए और फिर उस वंस कॉम्प्लीमेंट में आप प्लस वन ऐड करके उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि 000 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 11, इसके अंदर प्लस वन कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 100, एक्चुअली सॉरी इट इज 100, तो ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। बट टू बिट्स ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया होगा तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट शो ही नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास 10 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 10, प्लस वन ऐड कीजिए तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा 11, तो इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो 11 है, यानी कि ये जो नंबर है ये -1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये नंबर -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास तीन बिट है 000 001 010 011 101 101 110 111, अब ये जो नंबर है हमारे पास ये 0 करेगी रिप्रेजेंट, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, दैट इज 1000, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये जो नंबर है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट होगा पहले वंस कॉम्प्लीमेंट विच इज 10110 प्लस वन ऐड करेंगे तो 111, तो यानी कि ये जो नंबर है ये -1 रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से इसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा यहाँ पर विच इज -2, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट आएगा यहाँ पर विच इज -3, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट जो है होगा ये -4, तो ये नंबर -4 रिप्रेजेंट करें, यानी कि नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास नंबर इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज -4, दिस इज -3, दिस इज -2 एंड दिस इज -1। अब देखिए एक चीज और ध्यान देने की है, जो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से, तो हर एक नेगेटिव नंबर चाहे वो 2 बिट की हो, चाहे वो 3 बिट की हो, चाहे वो 4 बिट की हो, चाहे वो 5 बिट की हो, अगर 1 से स्टार्ट है यानी कि इट इज ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब बिकॉज ये पहली जो नंबर है ये हमारे पास 1 से स्टार्ट है यानी कि इट इज ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब लेकिन हमें ये निकालने की जरूरत है कि ये जो नंबर है ये किसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, ये किसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, किसका टूज कॉम्प्लीमेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हर जगह पर आप बता सकते हैं कि इसका जो 2 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो -2 रिप्रेजेंट करेगा, 3 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो -3 रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें बताना है कि अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो ये किसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो दो तरीके हैं, पहला पहले इस टूज कॉम्प्लीमेंट को वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू वंस कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा उसके बाद उस वंस कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट वंस कॉम्प्लीमेंट टू बाइनरी, दैट इज जीरोस कॉम्प्लीमेंट हियर यू कैन सी, जो नॉर्मल हम फॉर्म यहाँ पर निकालते हैं तो उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है इसको अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1101010 में से पहले -1 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, इसमें से अगर आप -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगी, 1101001, ये हो गया हमारे पास इस किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट को आप कन्वर्ट करो जीरोस कॉम्प्लीमेंट यानी कि विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरोस कॉम्प्लीमेंट आई शुड नॉट से बिकॉज दैट इज नॉट अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, बट माय फीलिंग इज दैट आई वांट टू जस्ट कन्वर्ट दिस टू विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो ये उसके लिए क्या करेंगे, हर एक बिट को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 0110100। ठीक है, तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 16, सो इट इज 16+4+2 व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग 22। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव 22 है तो इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट है ये रिप्रेजेंट करेगा -22, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा आंसर नंबर बी विच इज -22। ओके,
अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। जनरली हम जब कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इन बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बाइनरी में बात करते हैं। अब बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके थे, जैसे मैंने आपको बताया, पहला साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में, अगर ये हमारे पास एक्स बिट की नंबर है तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में जो मिनिमम नंबर शो होगी वो होगी माइनस टू रेस्ट पावर एक्स माइनस वन प्लस वन टू प्लस टू रेस्ट पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम वैल्यूड होगा वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या रिप्रेजेंट होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा माइनस टू रेस्ट पावर एक्स माइनस वन टू प्लस टू रेस्ट पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, ओके। यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट में वी विल शो वन नंबर एक्स्ट्रा, वन नंबर एक्स्ट्रा। हियर व्हाट हैपेंस इज, हियर दिस इज टू नंबर्स आर रिपीटेड, दैट इज व्हाई यहाँ पर हम एक नंबर कम शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा शो होगा। तो इट इज एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आंसर आता है ऑप्शन नंबर थ्री, विच इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, द एक्सेस थ्री डेसिमल कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड बिकॉज, पहला ऑप्शन द बाइनरी सम ऑफ अ कोड एंड इट्स नाइन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नाइन, दूसरा इट इज अ वेटेड कोड, तीसरा द कॉम्प्लीमेंट कैन बी जनरेटेड बाय इन्वर्टिंग ईच बिट पैटर्न, एंड चौथा द बाइनरी सम ऑफ अ कोड एंड इट्स टेंस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नाइन। देखिए उससे पहले, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज एक्सेस थ्री, और यहाँ पर जो बात की गई है वो डेसिमल कोड की बात की गई है, एक्सेस थ्री डेसिमल कोड, ओके। और जो एक्सेस थ्री जो कोड होता है, सबसे पहले चीज़ है कि एक्सेस थ्री कोड है, इट इज़ अ नॉन वेटेड कोड, इट इज ऑलवेज अ नॉन वेटेड। नॉन वेटेड इसको बोलते क्यों हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉन वेटेड बोलते क्यों हैं। देखिए एक्सेस थ्री कोड नॉन वेटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है, इस डेसिमल नंबर में हम प्लस थ्री ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेस थ्री कोड आ जाएगा, जिसको हम एक्सएस थ्री से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेस थ्री। जैसे कि मेरे पास डेसिमल नंबर जो है हम चार बिट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, ये उसका बाइनरी है और ये उसका एक्सेस थ्री है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो डेसिमल नंबर जीरो का बाइनरी होगा जीरो 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 जीरो, वन का जीरो 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 वन, टू के लिए जीरो जीरो वन जीरो, थ्री के लिए जीरो जीरो वन वन, फोर के लिए जीरो वन जीरो जीरो, फाइव के लिए जीरो वन जीरो वन, सिक्स के लिए जीरो वन वन जीरो, सेवन के लिए जीरो वन वन वन, एट के लिए वन जीरो जीरो जीरो, नाइन के लिए वन जीरो जीरो वन। अगर हम हर एक उसके अंदर हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर थ्री ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेस थ्री कोड आएगा, जैसे कि वन के लिए जो एक्सेस थ्री कोड है वो रहेगा जीरो जीरो वन वन, टू के लिए जीरो वन जीरो जीरो, थ्री के लिए जीरो वन जीरो वन, फोर के लिए जीरो वन वन जीरो, फाइव सॉरी टू के लिए जीरो वन जीरो वन। यानी कि यहाँ पर जो ये जो कोड है इसके अंदर प्लस थ्री ऐड कर दीजिए वन टू थ्री, तो ये हमारे पास थ्री के लिए होगा, टू के लिए होगा, ये थ्री के लिए, फोर के लिए होगा हमारे पास जीरो वन वन वन, फाइव के लिए वन जीरो जीरो जीरो, सिक्स के लिए वन जीरो जीरो वन, सेवन वन जीरो वन जीरो, एट वन जीरो वन वन, नाइन वन वन जीरो जीरो। अब इसमें से अगर आप कोई भी डिजिट उठा लीजिए, जैसे कि ये हमारे पास है तो जीरो वन जीरो वन, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो हमारे पास नंबर आया है, अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जैसे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास वन जीरो वन जीरो। अब ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है ये कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर के नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, देखिए बाइनरी सम ऑफ अ कोड एंड इट्स नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नाइन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो एक करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट्स नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नाइन इटसेल्फ, ओके। तो इसी वजह से वी आर यूजिंग एक्सेस थ्री कोड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, द एक्स इज अ बाइनरी नंबर विच इज ऑफ पावर ऑफ टू, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक्स इज अ बाइनरी नंबर विच इज ऑफ पावर टू, देखिए पावर टू की नंबर क्या क्या हो सकती है, इट इज इट कैन बी टू रेस्ट पावर जीरो, टू रेस्ट पावर वन, टू रेस्ट पावर टू, टू रेस्ट पावर थ्री, टू रेस्ट पावर फोर,
टू इस पावर 5 एंड सोन, ये कोई एक बाइनरी नंबर है जो कि 2 की पावर्स हैं, जैसे कि 2 इस पावर 0, 2 इस पावर 0 क्या होगा हमारे पास 0, 2 इस पावर 1 लेट अस से हम इसको कुछ बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो 8 बिट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये 0 0 0 0 0 0 ठीक है, 2 इस पावर 1 क्या होगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 1 0, 2 इस पावर 2 क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0, 2 इस पावर 3 होगा 0 0 0 0 1 0 0 0, 2 इस पावर 4 क्या होगा 0 0 0 1 0 0 0 0, ओके, 2 इस पावर 5 0 0 1 0 0 0 0, 2 इस पावर 6 0 1 0 0 0 0 0, ओके, तो बस होना क्या है, जितनी पावर है वो 1 उतना शिफ्ट होता चला जाएगा, जैसे 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन और ये सेवंथ पोजीशन, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर बिट वाइज ले रहे हैं, बिट वाइज, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस नंबर में से अगर मैं ये नंबर अगर x को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर अगर मैं x माइनस वन करता हूँ तो x माइनस वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 1, तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस वन, यानी कि इसमें से एक माइनस कर दो, तो यहाँ से अगर मैं x माइनस वन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 1 1, ओके, यहाँ से अगर हम x माइनस वन करते हैं, यानी कि अगर मैं ये x है और अगर मैं x माइनस वन करता हूँ तो ये वाले जितनी भी बिट्स हैं ये सब हमारी 1 हो जाएंगी और ये हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 1 1, उसी तरीके से यहाँ पर ये सारी बिट 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1, यहाँ पर भी हमारे पास इट शुड बी आई थिंक 5 जीरोज़ हियर, तो हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 1, तो ये सभी इस तरीके से 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों के में बिटवाइज ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें और इसमें अगर मैं बिटवाइज ऐड करूँगा तो हमारे पास सभी बिट्स जो है वो जीरो रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को लेता हूँ, यहाँ पर क्या है हमारे पास 0 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारे पास x है और x माइनस 1 क्या होगा दैट विल बी 0 0 0 0 1 1 1 1, तो हर केस में इस तरीके से वैलिड होगा कि जो बची हुई जीरोज़ हैं वो वंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बिटवाइज एंड में तो सारी जो बिट है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 0, दिस इज नॉट करेक्ट, व्हाई, जनरली 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज ये दिस यू कैन से करेक्ट, लेट अस से वी हैव अ नंबर लाइक दिस, ओके, इसका अगर हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 1 1 1 1, इसका अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 0 0 0 0, अब यहाँ पर जो लास्ट 1 है वी कैन डिस्कार्ड इट बिकॉज अगर हमें 4 बिट की नंबर गिवन है तो हम सिर्फ 4 बिट ही कंसिडर करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट 0 ही कर रहा है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 0, ओके। नेक्स्ट, इन 2's कॉम्प्लीमेंट द लेफ्ट मोस्ट बिट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी, ओके, तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई नंबर है 0 1 0 1 0, ओके, इसका हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यह आएगा हमारे पास 0 0 सॉरी 1 0 1 0 1, ओके, इसके अंदर प्लस 1 ऐड करो तो हमारे पास आएगा 1 0 1 1 0, ओके, अभी जो लास्ट जो हमारे पास बिट है, जनरली जैसे मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में भी शो किया था, यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने शो किया था कि जो लास्ट बिट है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो करती है, ठीक है, तो एक बंदे हम 2's कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लास्ट बिट हमारा पॉजिटिव या फिर और नेगेटिव, ये शो करता है कि नंबर हमारे पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है, ओके। फिर थर्ड देखते हैं, फॉर एन एन बिट वर्ड दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट विच इंक्लूड द साइन बिट, there are 2's power n minus 1 positive integers and 2's power n plus 1 negative integers and 1 0 for the total 2's power n any combination, देखो यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पॉजिटिव नंबर्स कितनी होंगी 2 raised to power n minus 1 minus 1, ये नंबर होंगे हमारे 1 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और प्लस एक 0, ठीक है, अगर आप 0 को भी पॉजिटिव काउंट करते हैं तो ये नंबर हो जाएगी हमारे पास 2 raised to power n minus 1, ठीक है, अगर आप 0 को भी 1 काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 0 को पॉजिटिव काउंट करें तब इतने हमारे पास पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन अगर आपके पास 0 को पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस, अगर 0 को अगर आप पॉजिटिव नंबर नहीं काउंट कर रहे तो हमारे पास इतना होगा। दूसरा जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स होंगे हमारे पास
2 raised to power n minus 1, ठीक है, ये हमारे पास plus 1 नहीं होगी, तो जो plus sign है ये गलत given है यहाँ पर, तो इसका जो option number 3 है, this is wrong, okay, next, in 2's complement, the significant information is contained in 1's positive number, 1's of a positive number and 0's of a negative number, okay, yes, this is true, तो यहाँ पर है क्या, कि ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर है वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द आंसर हियर, बाकी ऑल द अदर थिंग्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, IEEE 754 डबल प्रिज्म फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स has a length of these many bits. अब देखिए IEEE 754 के अंदर हमारे पास इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है हमारे पास सिंगल प्रिसीजन और दूसरा आता है हमारे पास डबल प्रिसीजन. तो सिंगल प्रिसीजन में जो लेंथ होती है दैट इज 32 बिट्स और डबल प्रिसीजन में जो लेंथ होती है दैट इज 64 बिट्स. तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 विच इज 64. अभी चले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, लेट m इज इक्वल टू 313 विद बेस 4 and n is equal to 322 with base 4. तो हमें m plus n निकालना है. देखिए 313 plus 322. तो 3 plus 2 को आप ऐड करेंगे तो नंबर आएगी हमारे पास 5. लेकिन base 4 में हम 5 को कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्योंकि base 4 के अंदर जो मैक्सिमम नंबर आप शो कर सकते हैं दैट इज 0 टू 3. ओके, आप 5 को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो 5 को अगर हम base 4 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा? This is 5, this is 4. तो 5 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 वन जा 4 एंड द रिमाइंडर इज 1. ओके, तो इफ आई राइट 1 विद बेस 4 दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 5. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 और ये कैरी जाएगा 1. ओके, ये वाला 1 हमने यहाँ पर लिखा और जो दूसरा 1 था वो हमने कैरी दे दिया. ठीक है, नाउ दिस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इज 4, दिस इज 4. तो 4 हमारे पास एक नंबर आती है, तो बेस 4 में 4 को कैसे प्रेजेंट करेंगे? 10 से. ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है कि 4 को 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर आया 1 और रिमाइंडर आया 0. ओके, तो हो जाएगा हमारे पास 10. तो यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 1. ओके, नेक्स्ट इज 1 प्लस 3 प्लस 3 विच इज रिप्रेजेंटिंग नंबर 7. अब 7 को बेस 4 में कैसे प्रेजेंट करेंगे? 4 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 3. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 और यह आएगा 1. तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना है बेस 4 में तो नंबर आएगी 1301 विद बेस 4. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस इज. तो बाइनरी नंबर हमारे पास है 10111010011. अब इसके लिए हमें ऑक्टल निकालना है, तो ऑक्टल के लिए हमें 3 बिट से कॉम्बिनेशन आप करो सिंपल. तो पहली 3 बिट है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3, ये नेक्स्ट 3 बिट रिप्रेजेंट कर रही है 5, फिर ये 3 बिट रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 3 और ये हमारे पास 1. तो ये जाएगा 1353. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर